Hello students, welcome in my channel. So in this video we are going to discuss a comparative view of arteries, veins and capillaries. So I am going to tell you here about what are basically arteries, what are veins and what are capillaries, and we are going to discuss here about all of these. So I am going to make a table here. On the basis of certain features, we will discuss about arteries, veins and capillaries. Okay students, चलिए start करते हैं arteries, veins और capillaries के कुछ differentiative point of view. पहला feature हम लोग बात करें अगर तो thickness की बात करते हैं हम लोग. जो arteries की thickness होती है और जो veins की thickness होती है और जो capillaries की thickness होती है, उनमें क्या difference होता है? तो arteries students ज़्यादातर thick walled होती हैं और वेन्स ज्यादातर थिन वॉल्ड होती हैं, और ये कैपिलरीज में एक्सट्रीमली थिन होती हैं. अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें फीचर्स में, तो वो होता है ल्यूमेन. और ल्यूमेन क्या होता है स्टूडेंट्स? नैरो होता है आर्टरीज में, नैरो ल्यूमेन होता है, और वेन्स में काफी बिग ल्यूमेन होता है, और कैपिलरीज में वेरी स्मॉल ल्यूमेन इज देयर. नेक्स्ट पॉइंट, ल्यूमेन क्या होता है आपको स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बता दूं, जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, थ्रू विच ब्लड विल फ्लो. थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो सेमी लूनर वॉल्स होती हैं, यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और यहाँ पे भी एब्सेंट होगी. फोर्थ हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड होगा. जो ब्लड का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है. इट विल टेक अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन. आप ऐसा कह सकते हैं हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन, और ये डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट लेकर आएगा वेन्स. और कैपिलरीज की अगर बात करें तो आर्टीरियोल से वेन्यूल्स में जाएगा, आर्टीरियोल्स टू वेन्यूल्स. नेक्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर होगा स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर कैसा फ्लो करेगा. यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होगा काफी हाई होगा आर्टरीज में, वेन्स में काफी लो होगा, और यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लो होगा, एक्सट्रीमली स्लो. आर्टरीज हमेशा कैसा ब्लड लेके जाती है स्टूडेंट्स? विच टाइप ऑफ ब्लड दे विल कैरी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यू कैन से प्योर ब्लड. एंड दे विल कैरी, वेन्स विल कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक्सेप्शन इज देयर, यहाँ पे पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन, और यहाँ का एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन. और यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, फूड्स का, वेस्ट का, वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड. लास्ट पॉइंट हम लोग स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, आर्टरीज की लोकेशन कहाँ होती है, वेन्स की लोकेशन कहाँ होती है, और कैपिलरीज का कहाँ लोकेशन होती है. तो आर्टरीज की अगर बात करें तो ये ज्यादातर डीपली सीटेड होती है, डीपली लोकेटेड होती है, डीपली लोकेटेड. और वेन्स की अगर बात करें तो दीज आर सुपरफिशियल, मोस्टली दीज आर सुपरफिशियल. एंड कैपिलरी दे विल फॉर्म ए नेटवर्क, अगेन दे विल फॉर्म ए नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर बॉडी. सो दिस इज ए कंपेरेटिव व्यू ऑफ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी स्टूडेंट्स. आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू as your revised date sheet of board examination of ICSE, it is declared again. There will be examination of biology on 11th of July. So be prepared very well. Keep your content well revised. I hope you will all achieve success and will achieve 100% marks. Thank you dear students. I hope we will meet soon.